दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं रविंद्र जडेजा को बेहतरीन ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टीम इंडिया की शर्मनाक हार पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान खिलाड़ियों ने उड़ाया जमकर टीम इंडिया का मजाक। एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉटसन जैसे महान खिलाड़ी ने बयान देकर कर दी सारी हदें पार। रोहित शर्मा से लेकर पूरी टीम इंडिया की बेइज्जती करते हुए आखिर ऐसा क्या कह गए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज, जिसे सुनने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। दिखाएंगे उनके बयान का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा में से सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारत को एक शर्मनाक शिकस्त मिली है। ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन स्पिन गेंदबाज नॉर्थन लियोन ने दूसरी पारी में 8 विकेट लेकर भारत की हार की वही पाठ कथा लिख दी थी, जिसके बाद 76 रन के स्कोर का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस हार में करोड़ों भारतवासियों का दिल तोड़ दिया। बता दें पहली पारी में टीम इंडिया मात्र 109 रन पर ही ढेर हो गई। रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाए, जिसके बाद उम्मीद थी कि जल्द ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन उन्होंने 197 रन बना डाले। उस्मान ख्वाजा ने 60 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत कंगारू को भारत पर 88 रन की लीड मिल गई। इंदौर के घूमते हुए मैदान पर यह लीड जीत से कम नहीं थी, और वो भी कुछ वैसा ही। दूसरी पारी में भी भारतीय बल्लेबाजों का शर्मनाक प्रदर्शन जारी रहा। चेतेश्वर पुजारा को छोड़ दें तो बाकी के सभी बल्लेबाजों ने निराश किया। बता दें 142 गेंदों में 59 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके और एक शानदार छक्का भी लगाया, जिसके बाद टीम इंडिया 163 रन बना पाई। हालांकि ये रन भी काफी नहीं था, ऑस्ट्रेलिया को मात्र 76 रनों का लक्ष्य मिला। और फिर क्या था, उनके दो बेहतरीन बल्लेबाज ट्रेविस हेड और लबो शने ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए भारत को 9 विकेट से करारी शिकस्त देने इस हार के साथ ही भारत का नंबर वन बनने का भी सपना टूट गया। दोस्तों अगर इंदौर की टीम इंडिया मुकाबले हार गई तो दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान खिलाड़ियों ने टीम इंडिया का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आपको बता दें पूर्व महान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने अपना बयान देते हुए कहा है कि ये एक शानदार जीत है। घूमती हुई पिच पर हमारे खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, खास करके उस्मान ख्वाजा, जिन्होंने पहली पारी में लाजवाब बल्लेबाजी की। भारत को उनके घर पर हराना लगभग नामुमकिन जैसा लग रहा था, भारत को ये आसान कर दिया। बता दें कि अगर वो अच्छा नहीं खेलेंगे तो हमारी टीम ने छोड़ेगी नहीं, स्टीव स्मिथ ने बेहतरीन कप्तानी की। दोस्तों रिकी पॉन्टिंग के बाद एडम गिलक्रिस्ट ने बयान देते हुए कहा है कि ये एक शानदार जीत है जो हमेशा याद रखी जाएगी। टीम इंडिया इस मुकाबले में नहीं नजर आई, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो या फिर बल्लेबाजी की, हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। स्टीव स्मिथ ने एक बार फिर से बताया कि वो क्यों बेहतरीन कप्तान है, उन्होंने टीम को अच्छी तरीके से लीड किया, मैं उनके प्रदर्शन से बेहद खुश हूं। दोस्तों एडम गिलक्रिस्ट की पॉन्टिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने बयान देते हुए कहा कि एक शानदार जीत है, मुझे अपनी टीम के प्रदर्शन पर गर्व है। उन्होंने बहुत अच्छा खेल, इंदौर की पिच पर खेलने के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन यहां भी हमारे बल्लेबाज ने शानदार खेल दिखाया। स्टीव स्मिथ और उनकी टीम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में निराश किया, मुझे उम्मीद थी कि वो अच्छा खेलेंगे। दोस्तों भारत की हार पर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान खिलाड़ियों ने बयान दिया, अब आखिरी टेस्ट मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया है। वैसे दोस्तों आपका क्या मानना है, ये सीरीज भारत जीतेगी या फिर ड्रॉ होगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।